तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, रवि किशन को आप सुन रहे थे और हमारे साथ सृष्टि पांडे, राघवेंद्र, प्रियंका और सुमित सभी सहयोगी जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से। पहले सृष्टि के पास ही चलते हैं। सृष्टि, अनुराग ठाकुर मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं, जरा अगर आपकी बात हो पाए उनसे या आसपास के लोगों से तो उनके लिए क्या मुद्दे हैं जरा पूछिए। बिल्कुल, लगातार देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे लेकिन मतदान के बाद में साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया है कि बातचीत वो मीडिया से भी करेंगे, मुखातिब होंगे, लेकिन तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे अपने पूरे परिवार के साथ में। अनुराग ठाकुर यहाँ पर मौजूद हैं, चूंकि जनता भी यहाँ पर है, भारी संख्या में लोग यहाँ सुबह 7 बजे से ही पहुँचते रहे हैं और थोड़ा सा रास्ता खाली यहाँ पर करवाने की कोशिश की जा रही है ताकि अंदर परिवार सहित अनुराग ठाकुर जा सकें और एक एक करके जो है मतदान वो अपना कर सके। वो लगातार निवेदन कर रहे हैं और इसी के साथ में मतदान के बाद ही वो मीडिया से मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत अनुराग ठाकुर यहां पर करेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि अपनी जीत का दावा जो है वो लगातार करते रहे हैं कि बड़े मार्जिन से 5 लाख तक का जो अंतर होगा वो जीत का यहां पर होने वाला है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि अपने पूरे परिवार के साथ में मतदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहां पर पहुंचे हैं, जिनकी एक एक तस्वीर इस वक्त हम आपको लगातार यहां दिखा रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आपसे कुछ ही देर में वो लाइन में ठीक है लौटेंगे। सृष्टि, हम आपके पास, लेकिन एक बार जरा फिर से हम रुक करते हैं बनारस का। सुमित चौधरी हमारे साथ लगातार वहां से जुड़े हुए हैं और बनारस की अगर बात करें, तापमान कितना भी पहुंच जाए सुमित, वहां की गलियां कभी सूनी नहीं होती है, वहां पर आपको कभी ऐसे नहीं दिखेगा कि बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है, लेकिन पोलिंग बूथ पर क्या है हाल अभी? देखिए मानी, बिल्कुल आपने सही कहा, बनारस की गलियों का जो रंग है, जो मिजाज है, वो पोलिंग बूथ पर भी दिख रहा है और सुबह से ही इसी तरीके से जो कतार है वो लगी हुई है। सभी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से सिलसिला शुरू हुआ था लोगों के पहुंचने का, 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी और जो वोटिंग का प्रोसेस है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। लोग कतारों में अपना इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर 3 पोलिंग बूथ हैं और इन तीनों अलग अलग जगहों पर इसी तरीके की कतारें आपको जो है वो नजर आएंगी और लोगों के बीच जो उत्साह है वो भी खासा यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजन श्रीवास्तव है। इस बार बनारस में मुद्दे क्या हैं, क्या सोचकर आप वोट कर रहे हैं इस बार? जाम, ट्रैफिक। ट्रैफिक का मुद्दा है आप लोगों के लिए, क्या मुद्दा है बनारस में इस बार, आपका क्या मुद्दा है इस बार बनारस में? डेवलपमेंट और क्या बनारस का, और विकास का मुद्दा है बनारस, बनारस के लोग डेवलपमेंट को लेकर बड़ी संख्या में जनता पहुंच रही है। मंडी का रुख कर लेते हैं, प्रियंका शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, वहां की लड़ाई भी बहुत दिलचस्प है, कंगना रनावत को लेकर लोगों में एक उत्सुकता देखी गई, लेकिन क्या विक्रमादित्य टक्कर दे पा रहे, मुद्दे क्या है जरा पूछिए।